प्रिकॉशनरी मेजर्स हम देख सके क्या है वो देख, लैंडस्लाइड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड, और आज मैं बड़ी ही अहम और ज़रूरी बात करने आपसे आया था। ट्रैवल सीज़न जैसा कि आपको पता है जारी और सारी है, मई मिड से ट्रैवल स्टार्ट हो जाता है कुछ जगहों का, और ज़्यादातर जो बाबूसर टॉप खुलता है तो उसके बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है ज़्यादातर। तो हमने देखा है कि इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हादसात हो चुके हैं। तत्तापानी कराकरम हाईवे का एक डेंजरस पार्ट है, ठीक है। यहाँ की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि सारी जो रॉक्स हैं वो सारी मड़ी हैं, और मड के अंदर पत्थर फंसे होते हैं, बारिश होती है, मिट्टी निकल जाती है और पत्थर लुढ़क जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है। 2021 में मैं वहाँ था तो तत्तापानी का 2 से 2.5 किलोमीटर का जो एरिया था वो सारे दरिया में चला गया था, इस कदर लैंडस्लाइड हुआ था। तब भी वाकयात हुए थे, हादसात हुए थे, अभी पिछले दिनों में भी हुए हैं। और तत्तापानी जो है वो कराकरम हाईवे का सबसे, मैं समझता हूँ, डेंजरस पार्ट है। आप जब बाबूसर ट्रॉप से आएँ या आप कराकरम हाईवे से आएँ, बिशाम चिलास की तरफ से आएँ, तत्तापानी सेक्टर आपने क्रॉस करना ही होता है। जलीपर है इलाका, उससे आगे तत्तापानी का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसी बारिशें स्टार्ट होती हैं यहाँ पे बहुत बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोगों की रातें यहाँ पे गुजरती हैं, और इवन के कई दफ़ा एक्सीडेंट भी हमने देखे हैं। कोस्टर गिरी अभी पिछले दिनों में, और सिंगल रोड है, और वहाँ से गुजरते वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने देखा है कि प्रॉब्लम होती है। इस एपिसोड में आपको तत्तापानी लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे असल मसला है क्या, वहाँ पे जो रॉक फॉर्मेशन है वो कैसी है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, और सिंगल लेन है, डबल लेन है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है कि नहीं है, और वहाँ पे क्या सेफ्टी मेजर है जो हम वहाँ पे ले सकते हैं। तो रायकोट के फ़ौरन 1-1.5 किलोमीटर बाद ये वाला इलाका शुरू हो जाता है, और यहाँ पे इतनी मिट्टी है कि मेरे कैमरे की स्क्रीन ही ख़राब हो गई है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहाड़ों की साख्त है ना, यहाँ का जो लैंडस्केप है वो कैसा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। बहुत ही ख़तरनाक एरिया है, और बारिश होती है तो सारी मिट्टी पत्थरों के नीचे से निकलती है और पूरा पूरा एरिया फाइड कर जाता है। मुझे याद है 2021 में तो 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा सड़क जो थी वो दरिया में चली गई थी। तो अभी मैं उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो 1 by 1 खोली जा रही है। पहले आपको कुछ 15-20 ट्रक जो हैं वो जाने वाले इशू होते हैं, फिर इस लाइन को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद 15-20 लाइनें वो होती हैं, 15-20 गाड़ियाँ उधर से आने वालों के लिए खोली जाती हैं। ये तकरीबन 2 से 2.25 किलोमीटर का रास्ता बनता है जो बिल्कुल ही रफ़ है, और इस साल भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, और मुख्तलिफ दिनों में ये काफ़ी अरसा बंद भी रहा है, 8-8 घंटे, 1.5-1.5 दिन बंद रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग थे जो वापस नारान चले गए। और ये जो एरिया, ये हर साल ऐसा करता है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ों की फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा मटियाले पहाड़ हैं, और जब बारिश होती है तो मिट्टी आ जाती है सड़क पर, और फिर पत्थर भी स्लाइड करते हैं, और बड़ी ही ख़तरनाक जगह है ये तत्तापानी। और पिछले 8-9 साल से रेगुलर आप भी सुनते होंगे कि जो तत्तापानी सेक्टर है वहाँ पे हम फंस गए, वहाँ पे वो बंद है, वहाँ पे स्लैबी रेला आ गया, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि कराकरम हाईवे का सबसे डेंजरस पार्ट है ड्यू टू लैंडस्लाइड। वैसे सड़क यहाँ पर बड़ी प्रॉपर बनी हुई थी, और अभी जो हम देख के आए हैं यहाँ पे एक जगह पे क्रॉसिंग बिल्कुल नैरो हो जाती है, कि दरिया का किनारा भी जो है वो बिल्कुल कच्चा सा रह जाता है, और आपको
पहाड़ के साथ साथ चलना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ड्रोन फ्लाइट बना के ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से पहाड़ कैसे हैं और फटाफट यहाँ से निकलने वाली बात करते हैं। मेरे बैग पे अगर आप देख सकें, ये जो मिट्टी उड़ रही है, ऊपर मशीनें काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा पत्थर नीचे आ रहे हैं और बीच में क्योंकि दरियाए सिंध बह रहा है बड़ी तुगयानी में और ज़ोरों शोर से, तो मेरा ख्याल शायद ये कोई अल्टरनेट रूट दिया जा रहा है इस साइड से, क्योंकि कंपैरेटिवली इस साइड के जो पहाड़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा सॉलिड फील हो रहे हैं। तो मे बी ये 3-4 किलोमीटर का जो हिस्सा है यहाँ पर, इसको हम बाईपास करके सड़क की उस साइड पर चले जाएँ, हो सकता है, क्योंकि काम तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और अब आप अगर आप देख सकें तो ये देखें, बहुत ज़्यादा धुआं, मिट्टी उड़ रही है, पत्थर नीचे आ रहे हैं। तो इस एपिसोड के बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा और कराकरम हाईवे का सफ़र करते हुए मोहतात रहें, मुझे दुआओं में याद रखें और क्या करें यार। तो तत्ता पानी का ये वाला 2.5 से 3 किलोमीटर वाला एरिया क्रॉस करते वक्त नहायत मोहतात रहें, रात के वक्त सफ़र ना करें, बारिश में बिल्कुल भी ना करें और वेदर फोरकास्ट देख के निकलें। और मेरे इस एपिसोड के बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तत्ता पानी सेक्टर जो है, इसमें जो हमने देखा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, सड़क बड़ी नैरो हो जाती है और दरिया भी वहाँ पे बहुत जो है शार्प हो जाता है उसका कट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ट्रैवल में देख के जाएँ बारिश। अगर आप हमदास करदू जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, फंडर जा रहे हैं, तो आप बारिश को देख के क्रॉस करें। कम अज़ कम बारिश से 2 दिन बाद क्रॉस करें, क्योंकि जब बारिश होती है तो वहाँ पर कीचड़ भी होता है, तो 2 दिन में वो कीचड़ सेटल हो जाता है। 8 से 10 दिन की प्रिडिक्शन आ रही होती है, मैं तो वेदर प्रिडिक्शन देख के ही सफ़र करता हूँ, मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं। तो तत्ता पानी क्रॉस करने के लिए आप चेक करें कि वहाँ पे बारिश 1-2 दिन पहले ना हुई हो, और बारिश में तो बिल्कुल भी इसको क्रॉस ना करें। और दूसरी बात यह है कि मैं दरख्वास्त करूँगा अपने इदारों से कि वहाँ पर खसूसी तवज्जो दी जाए, वहाँ उस लेन को डबल किया जाए, उस एरिया को जो है वो फ्री किया जाए लैंडस्लाइड से, वहाँ पर हमें छत बना दी जाए, या जो भी आप बेहतर समझते हैं, इंजीनियर आप हैं, आपने इस चीज़ को देखना है। और महफूज रहें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।